24 घंटे सुबह 4:45 उठकर रात को 12 बजे तक मैं जनता की सेवा करता हूं। जनता विश्वास किसी नेता पर कम करती है, पर जनता जिस प्रकार का मेरे पे विश्वास करती है, सबसे बड़ा कारण है शादी हो, ब्याह हो, मौत हो, मरगत हो, हर सुख दुख में मैं जनता के साथ खड़ा हूं। और अभी भी मुझे आलाकपन पे विश्वास है कि वो मेरे को टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। से 4 विधानसभाओं पर और क्या फर्क पड़ेगा? 4 पे नहीं पड़ेगा, मेवाड़ में पड़ेगा। जनता के साथ हूँ, जनता का साथ है और जनता जो कहेगी उसके अनुसार काम करूँगा। जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जो कहेंगे उसके अनुसार मैं काम करूँगा और जनता मेरे साथ है, कहीं सोचने करने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी अच्छे वोटों से चित्तौड़गढ़ सीट निकलेगी और चित्तौड़गढ़ से मैं चुनाव लड़ूंगा। चित्तौड़गढ़ शक्ति और भक्ति की नगरी रही है, महाराणा प्रताप की भूमि रही है, वीरांगनाओं की भूमि रही है, पन्ना की भूमि रही है और ये कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी जनता कहेगी उसके अनुसार उन्होंने किया है और आज मैं भी जनता जो कहेगी उसके अनुसार करूँगा। झुकेगा नहीं और रुकेगा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ये जरूर कर सकता हूँ, मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। सर मैं मयूर जोशी, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज, हमारा खास कार्यक्रम नेतागिरी। सर नेतागिरी में स्वागत है आपका, पर नेतागिरी तो आपके साथ हो गई सर। पूरा विवाद क्या था, किस वजह से पार्टी ने टिकट नहीं दिया? अभी मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि पार्टी ने टिकट मेरे को क्यों नहीं दिया जी। पर वास्तव में जिस प्रकार का मैंने 10 साल में काम किया है, जनता के बीच में रहा हूँ और जनता के जिस प्रकार की जनता, जिस दिन से मेरा टिकट नहीं मिला उस दिन से जनता मेरे साथ है और पहले भी जनता मेरे साथ थी, क्योंकि 24 घंटे सुबह 4:45 उठकर रात को 12 बजे तक मैं जनता की सेवा करता हूँ और जनता मेरे साथ है और जो भी फैसला करेगी वो जनता करेगी। जनता का CP साहब का बार बार नाम आ रहा है, CP साहब से ऐसा पहले क्या विवाद हुआ जिसकी वजह से टिकट काटने तक की बात आ गई? ऐसा मेरे मन में तो पहले भी नहीं था और आज भी मेरे मन में कुछ नहीं है। वो मन में कुछ भी रखे, कहीं ना कहीं उन्होंने जो निर्णय किया है उसमें वो खड़े नहीं रहे और निर्णय अच्छा नहीं हो पाया, इसलिए जनता को गले नहीं उतरा है और उसी का एक बड़ा कारण है। भाई जन नेता तो आप हैं, पिछली बार भी 23-24 हज़ार वोटों से आप चुनाव जीते, अभी भी हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों के मुँह पर एक ही बात है कि चित्तौड़गढ़ की एक ही शान चंद्रमा। तो सर लोग आपको चाहते हैं, अगर पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला तो भी क्या चुनाव लड़ेंगे? जनता विश्वास किसी नेता पे कम करती है, पर जनता जिस प्रकार का मेरे पे विश्वास करती है, सबसे बड़ा कारण है शादी हो, ब्याह हो, मौत हो, मरगत हो, हर सुख दुख में मैं जनता के साथ खड़ा हूँ और 24 घंटे सेवा जनता की जिस प्रकार मैं सेवा करता हूँ उसी के कारण जनता साथ है। और अभी भी मुझे आलाकपन पे विश्वास है कि वो मेरे को टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। आज आपने एक नया अभियान चालू करा है, वही मिस कॉल के माध्यम से आलाकमान तक संदेशा पहुंचाना चाहते हैं, ये तमाम लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। आपका टिकट कटने से 4 विधानसभाओं पर और क्या फ़र्क पड़ेगा? 4 पे नहीं पड़ेगा, मेवाड़ में पड़ेगा। इसका रिजल्ट आपको 3 दिसंबर में आएगा और इसका इफेक्ट चित्तौड़गढ़ जिले की 5 हो, प्रतापगढ़ की सीट हो, डूंगरपुर की हो, बांसवाड़ा की हो, उदयपुर की हो, राजसमंद, करीब करीब काफ़ी सीटों को इफेक्ट करेगी जी। हम बात करें कि तमाम जो लोग पार्टी के निर्णय से नाखुश हैं वे सभी लोग आपकी तरफ निगाहें लगा कर बैठे हैं कि चंद्रमान जी के साथ भी गलत हुआ है, वे लोग आपको नेता मान चुके हैं, तो ऐसे में क्या अगर पार्टी निर्णय नहीं बदलती तो तीसरे विकल्प के रूप में भी चंद्रमान जी उन सबका साथ देंगे क्या? जनता के साथ हूँ, जनता का साथ है और जनता जो कहेगी उसके अनुसार काम करूँगा। उसके अनुसार मुख्य और अंतिम सवाल आपसे, पार्टी अगर निर्णय नहीं बदलती है तो नामांकन किस दिन भरेंगे? जनता, मैंने आपको कहा ना, जनता ये निर्णय जनता करेगी जी और जनता जो भी कहेगी उस जनता के अनुसार करूँगा। मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जो कहेंगे उसके अनुसार मैं काम करूँगा और जनता मेरे साथ है, कहीं सोचने करने की जरूरत नहीं है। और काफ़ी अच्छे वोटों से चित्तौड़गढ़ सीट निकलेगी और चित्तौड़गढ़ से मैं चुनाव लड़ूंगा। आज से पहले भी राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाकर चित्तौड़ के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी, पर वे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए थे। चित्तौड़गढ़ शक्ति और भक्ति की नगरी रही है, महाराणा प्रताप की भूमि रही है, वीरांगनाओं की भूमि रही है, पन्ना की भूमि रही है और ये कभी झुकने वाली नहीं है। और जो भी जनता कहेगी
उसके अनुसार उन्होंने किया और आज मैं भी जनता जो कहेगी उसके अनुसार करूँगा। झुकेगा नहीं और रुकेगा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ, पर मैं ये जरूर कर सकता हूँ, मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। चल, तो हमारी विशेष मुलाकात थी चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रवान जी आख्या से, जिन्होंने स्पष्ट कराया कि जनता का जो फैसला होगा सर्वोपरि होगा, और अगर इनका टिकट बदलाव नहीं होता है तो उसका पूरे मेवाड़ पर उसका प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद।